गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम कक्षा 6 पीजी पायल मैथ विज्ञान में कुछ लॉन्ग क्वेश्चन कराएंगे। आज हम इसमें क्वेश्चन नंबर 3, मापन क्या है, लंबाई का मात्रक क्या है तथा से मानक मात्रक क्यों माना गया है, ये क्वेश्चन है आपका, इसे कराएंगे। तो बच्चों देखिए, मापन है क्या बच्चों? किसी ज्ञात मात्रा की तुलना उसी तरह की निश्चित मात्रा के साथ करना क्या कहलाता है बच्चों? मापन कहलाता है। जैसे कि आपको पता है लंबाई का मात्रक मीटर भी होता है, किलोमीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है, फुट भी होता है, लेकिन एसआई पद्धति में जो लंबाई का जो मानक होता है वो मीटर होता है। वैज्ञानिक रूप से मीटर को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया गया है, ये मैंने पहले ही पढ़ा दिया है, वहाँ से आपसे पढ़ देना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, मापन क्या है, इसकी महत्ता क्या है, प्राचीन समय मापन के क्या साधन हैं। तो बच्चों देखें, किसी ज्ञात मात्रा की तुलना उसी तरह की निश्चित मात्रा ज्ञात मात्रा के साथ करना क्या कहलाता है भाई? आपका मापन कहलाता है। किसी वस्तु के विशेष गुण को जानना मापन कहलाता है। प्राचीन समय मापन के लिए कोई उपकरण नहीं थे, आपको पता है प्राचीन काल में जब हम मापते थे ना तो कोई आपके पैरामीटर थे ना आपका कोई स्केल हुआ करता था, तो उस समय क्या लोग कैसे आपके नापते थे, तो वे क्या करते थे, वे कुछ वस्तुओं और हाथ का इस्तेमाल करके वस्तुओं को मापते थे। तो ये आपकी प्राचीन काल में नापने की विधि थी। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। थैंक यू।